क्या दोस्तों आपने भी पहले कभी उबलते हुए पानी में इस तरीके से भिंडी को डाला है? नहीं डाला होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने भी यह खास चीज़ दिल्ली के एक 5-स्टार होटल के सेफ को जब ये करते हुए देखा कि वह उबलते हुए पानी में भिंडी डाल रहे हैं और उसके साथ वह उसमें एक चम्मच नमक भी ऐड कर रहे हैं, तो मैं देख कर हैरान हो गया। तो मैंने सेफ साहब से पूछा, अरे सेफ साहब ये आप क्या कर रहे हैं, भला इस तरीके से उबलते हुए पानी में भिंडी को कौन डालता है? तो वह बोलते हैं कि सर मैं एक बहुत ही खास चीज़ बना के तैयार कर रहा हूँ जिसके लिए भिंडी को उबलते हुए पानी में डाला जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी कौन सी खास चीज़ है, जरा आप मुझे बताएंगे? तो वह बोलते हैं क्यों नहीं। लेकिन दोस्तों आगे की जानकारी मैं आपको दूँ, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूं। हमारी पिछली वीडियो का थैंक जाता है गौरव जी को सिरसा से, मनीषा जी को जबलपुर से, बलवंत जी को गुजरात से और रेहाना जी को औरंगाबाद से। तो आप देख सकते हैं जैसे कि सेफ साहब ने मुझे बताया कि इस तरीके से हमें भिंडी को अच्छे से पानी में उबाल लेना होगा और इसके ऊपर का और जो नीचे का हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से अच्छे से हमें कट कर लेना होगा। कट करने के बाद हमें एक ले लेना होगा बाउल और बाउल के अंदर जो है हमें इन सभी भिंडियों को जो है वो ऐड कर देना होगा। ऐड करने के बाद इसके अंदर हमें ऐड करना होगा बेसन। बेसन दोस्तों आप देख सकते हैं एक चम्मच और दो चम्मच हमने इसके अंदर बेसन डाल दी है, फिर आधी चम्मच मिर्ची हमने इसके अंदर डाल दी है और फिर इसके अंदर हमने आधी चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है और आधी चम्मच धनिया पाउडर ऐड करके और आधी चम्मच से भी कम थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड करके इन सभी चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना होगा और आधा नींबू भी इसके अंदर कुछ इस तरीके से अच्छे से निचोड़ देना होगा, ताकि इसका जो स्वाद है वो और भी ज़्यादा चटपटा हो जाए और यह खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार हो। तो सेफ साहब ने मुझे ये भी बताया कि इसको हमें मिक्स अगर चम्मच से हो रहा है तो ठीक है, लेकिन इसे हम हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद हमें एक मिक्सी के जार में लहसुन की कुछ कलियाँ डाल के, दो मिर्ची डाल के, साबुत धनिया डाल के दो चम्मच, और उसके बाद हमें इसके अंदर ऐड कर देना होगा पानी और इसको हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना होगा। तो मैंने सेफ साहब से पूछा आखिर ये खास चीज़ बनके क्या तैयार हो रही है। सेफ साहब बोलते हैं अभी बता देता हूँ सर मैं, लेकिन उसके से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक हमें अलग कढ़ाई ले लेनी होगी, उसमें तेल गरम करके हमें वापस से जो है भिंडियों को जो है वो तेल के अंदर हमें फ्राई कर लेना होगा, ताकि भिंडियों का जो कच्चापन है वो सारा का सारा निकल जाए। और जैसे ही हमारी भिंडियाँ हैं वो आधी से ज़्यादा थोड़ी फ्राई हो जाए, उसके बाद हमें इसके अंदर कुछ चीज़ें भी ऐड करनी होगी। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना होगा, इन भिंडियों को जो है वो बाहर निकाल लेना होगा। आप देख सकते हैं भिंडियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और हमने जो है भिंडियों को एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी पैन का हम इस्तेमाल करेंगे, कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल गर्म करेंगे, जीरे को हम इसके अंदर अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हमें इसके अंदर ऐड कर देना होगा प्याज, और प्याज को भी हमें अच्छे से भून लेना होगा। जब तक प्याज आधे से थोड़े से ज़्यादा ना भून जाए तब तक हमें कंटिन्यू इसको पकाना होगा, ताकि प्याज जो हमारे हैं वो ना नीचे चिपके। और जैसे ही प्याज हमारे आधे से ज़्यादा पक जाए उसके बाद हमें इसके अंदर एक कटा हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो टमाटर भी ऐड कर देना होगा। टमाटर ऐड करने के बाद अब इन दोनों चीज़ों को जो है हमें अच्छे से पका लेना होगा, और पकाने के बाद अब हमें इसके अंदर वापस से कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी, जैसे थोड़ा सा नमक हमने इसमें ऐड किया है, थोड़ी सी मिर्ची ऐड की है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया, यानी सारी चीज़ें हमने आधी चम्मच से भी थोड़ी कम क्वांटिटी में डाली है। और अब इन मसालों को जो है हमें अच्छे से पका लेना होगा। पकाने के बाद हमें इसके अंदर क्या करना है, चलिए वो भी हम देख लेते हैं क्या करने वाले हैं हमारे सेफ साहब। सेफ साहब ने जो मिर्ची को, लहसुन को और जो धनिया साबुत को पीसा था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इनका भी जो कच्चापन है वो भी निकालना शुरू कर दिया है, यानी इनको भी अच्छे से पकाना चालू कर दिया है। तो मैंने सेफ साहब से कहा कि सेफ साहब अब जो आपने भिंडी को फ्राई किया था उसका हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है? तो सेफ साहब बोलते हैं कि सर हमारे जो ये प्याज हैं, टमाटर है, मसाला है, वो अच्छे से पक चुके हैं, और पकने के बाद भिंडी हमें इसके अंदर ऐड कर देनी होगी, और इस तरीके से हमारी ये भिंडी की खास रेसिपी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और यम्मी होगी।
तो दोस्तों आज की हमारी यह सेब साहब की भिंडी की खास डिश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दुनिया के कौन से कोने से आप हमारी यह वीडियो देखते हैं ये भी हमें जरूर बताएं ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूं। मैं चलता हूं दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा, आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। जाने से पहले आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।